हूँ, जो मुकदमा लिखा गया है उसमें 3 खुराफाती लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। जिन 3 पुलिसकर्मियों ने या 4 पुलिसकर्मियों ने दिक्कत की थी हमारे भाई बहनों छात्रों के साथ, यहाँ के छात्र के साथ, उनको भी निलंबित किया गया है, उन पर भी विभागीय कार्रवाई की जा रही है। आपको आश्वस्त करने आया हूँ कि मेरे लिए सभी बराबर हैं। मैं चाहता हूँ शांति व्यवस्था बनी रहे और किसी भी हमारे भाई बहन छात्र को कोई बहकावे में न ले पाए। आपका भविष्य अच्छा हो, स्वर्णिम भविष्य के मालिक बने आप यहीं से सिलेक्ट होकर जाए, जो आप लक्ष्य लेकर आए हैं उसमें सफल होकर जाए, अपने गांव और शहर लौटे, ताकि आपका नाम हो, आपके माता पिता का नाम हो। मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं भी एक लक्ष्य लेकर आया था कि मुझे IIT का इंजीनियर बनना है। मैं इंजीनियर बना, मेरा सपना पूरा हुआ। उसके बाद मैंने विदेश में नौकरी की, 5-6 साल नौकरी करने के बाद फिर IPS की परीक्षा दिया, पहले ही अटेम्प्ट में सिलेक्ट हुआ और आपके सामने यहाँ पे खड़ा हूँ। मैं यही का प्रोडक्ट हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप सब में वो मादा है, वो जज्बा है, वो कुव्वत है कि आप सब अच्छा कर सकते हैं। आप मेहनत करिए, समय का सदुपयोग करिए और जब सही समय आएगा, एग्जाम आएगा, उस घड़ी में आप बढ़िया परफॉर्मेंस दीजिए, आप सेलेक्ट होंगे, आपका परचम बुलंद होगा, आपका सिर ऊंचा होगा। मैं आपको ये शुभकामनाएं देता हूँ, बधाइयां देता हूँ। एक बार पुनः आपको सचेत करता हूँ भाइयों बहनों कि आप ऐसे शरारती तत्वों के जो इस चुनाव के दौरान तमाम नेता उभर रहे हैं, छद्म नेता मैं कहूँगा, छद्म जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है वो नेता नहीं कहा जा सकता, वो छद्म नेता है। जो युवा शक्ति के साथ खिलवाड़ कर रहा है वो छद्म नेता है। ऐसे नेताओं से आप सावधान रहिएगा। जो मुकदमा दर्ज हुआ उसमें निष्पक्ष कार्रवाई होगी, किसी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, मैं आपको प्रॉमिस करके यहाँ पे जा रहा हूँ। पुलिस को यह भद्रता करती है उसका रिपोर्ट हमको करें। 94-54-0-248 ये नंबर है SSP का, आप सीधे इस पर संपर्क कर सकते हैं, आपके साथ कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार पुनः सभी आपके स्वर्णिम भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए आपकी अपनी वाणी को विराम देता हूँ।